अजय निषाद का पत्ता साफ किए उन्हीं के आदमी। कहें तो अजय निषाद जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विपक्ष में जो VIP से राजभूषण निषाद थे वो BJP में आए थे, यानी कि अजय निषाद जो है उनको BJP में लाए थे, लेकिन अब अजय निषाद का ही पत्ता उन्होंने गोल कर दिया। ऐसा हम किस लिए बोल रहे हैं, तो BJP की ओर से लगातार लिस्ट जारी कर रही थी लोकसभा प्रत्याशी को लेकर के, उसमें कई प्रत्याशी जो कई सांसद है उनका नाम जो कटते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें से अजय निषाद जो है उनका भी नाम कटते आ रहा है, उनके बदले में राजभूषण निषाद कौन है, तो राजभूषण निषाद पिछले चुनाव में कहें तो VIP प्रत्याशी थे, यानी VIP के प्रत्याशी जिनको 4 लाख वोटों से अजय निषाद जो है वो हराए थे। वहीं पे बात करें तो सासाराम से छेदी पासवान के बदले शिवेश राम को उतारा गया, वहीं बक्सर अश्वनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को उतारा गया। तो यहाँ कहें तो BJP जो है वो लगातार कई प्रत्याशी, यानी कहें तो 3 प्रत्याशी इस बार जो 3 जो सांसद है उनका नाम काट दिया गया है, नए प्रत्याशी को लाया गया है। वहीं पर बात करें छेदी पासवान के जगह पर जो है वहाँ उम्मीदवारी ठोकने के लिए शिवेश राम को लाया गया है, वहीं बक्सर में अश्वनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को। आपको बता दें कि आज जो है वो अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद वो BJP दफ्तर पहुँचे थे सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन जब वो प्रदेश कार्यालय पहुँचे उसके दौरान भी पत्रकार जब उनसे बात करने चाहा कि आखिर क्या आप में कमी रह गया जो इस बार आपको टिकट नहीं दिया गया। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा उपचुनाव में जो है प्रदर्शन थोड़ा लो रहा, जिसके कारण शीर्ष नेतृत्व जो है इनसे नाराज रहा बताया जा रहा है, लेकिन राजभूषण निषाद जिनको ये BJP में शामिल किए थे, यानी VIP प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में और इनके विरोध में जो चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वहीं जो है राजभूषण निषाद को टिकट मिल गया, यानी कहें तो मुजफ्फरपुर से जो है अजय निषाद के जगह पर राजभूषण निषाद को टिकट मिला है। बता दें कि BJP 3 नेताओं को जो है इस बार नीचे उतारा है। बात करें तो बक्सर से अश्वनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को, वहीं मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के बदले राजभूषण निषाद जो VIP के प्रत्याशी रह चुके हैं उनको BJP में जो लाया गया है। उसके बाद उनको प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया, उसके बाद अब जो है उनको प्रत्याशी, यहाँ तो साफ साफ कहें तो अजय निषाद का जो है पत्ता साफ हो गया, उसके बदले में राजभूषण निषाद को लाया गया, यानी कहें तो सीटों का बंटवारा जो है हुआ। उसके बाद सभी प्रत्याशियों का नाम सामने आया, वहीं BJP 3 प्रत्याशियों का जो है वो इस बार नाम नहीं सामने आया, जो जिसमें से अश्वनी चौबे हैं और छेदी पासवान है, अजय निषाद प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और प्रदेश कार्यालय पहुंचने के बाद जब उनसे मीडिया बातचीत करना चाहा कि आखिर क्या आप में कमी रह गई जिसके कारण आपको इस बार जो है वो टिकट नहीं दिया गया, तो वो भी मीडिया से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अश्वनी चौबे का बात कर ले तो अश्वनी चौबे जो है वो भी नाराज़ चल रहे हैं, यानी कहें तो शीर्ष नेताओं से लगातार जब इन लोगों की जो टिकटें इस बार नहीं मिली है तो नाराज़गी जो है वो सामने खुल करके आ रहा है। बताते चले अजय निषाद पहुँचे थे प्रदेश कार्यालय, सम्राट चौधरी से मुलाकात किए, उसके बाद जाते के दौरान भी पत्रकारों से बातचीत नहीं करते हुए नज़र आए। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा इस खबरों में हम आपको देंगे। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।